आप इतना रो क्यों रहे हैं? किसी हरमजादे ने आपको कुछ कहा है? नहीं बीबर जी। क्या बात है भाभी सुना? मेरी गली की नौलत का हार, कानों की बाली, जादू की पुस्तक, सारी गहना चोरी हो गया। भाभी सुना, हाँ बीबर जी, मैंने आपको राज महापा में हाथ जोड़ करके विनती किया था कि आए मेरी माँ, ये मिठुर घाट का मेला को नाम भूल जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे। देखो अभी मेरा कहा हुआ सही है या गलत है। भाभी सुना, सामान इस मेले के अंदर में होगा। आप परवाना कीजिए, जंगी रूदल सिंह अभी जीवित है। भाभी सुना, आप यहां से राज महल के लिए चले जाइए। क्या अपने बड़े भाई साहब को कल पूरा दिन देख पूरा हो जाएगा। भाभी सुना, इसलिए आप लश्कर लेकर भी चलेंगे, पर आते कल सुबह 8 बजे आप राज महल पहुंचेंगे। क्या मैं अकेली जाऊंगी राजमोहन? साथ में जोरी देवा है, जरा सा उस दुकान पे नाश्ता कर रहा है, साथ कर लीजिएगा और चले जाइएगा। और आप परसों पहुंचेंगे कल, और परसों कल मैं चलूंगा तो परसों आपको राज महापा पहुंचूंगा। ये मेरा वादा है, आप जाइए। ये भाजी मेरी सारी गहना चोरी हो गया, कोई बात नहीं। मुझे जादू की पुस्तक चोरी हो गया, कोई बात नहीं। आप हमारी साथ चलिए। अरे भाभी सुना, क्या आपने बड़े भाई साहब को दी हुई निशानी को रुदल सिंह कभी भूल सकता है? क्या मेरे भाभी को बाबलों को चारियों को प्रचार चोरी हो गया है, उसका सहन सह सकता है रुदल सिंह? इसीलिए भाभी सुना, आप शीघ्र ही बड़े भाई साहब के पास पहुंच गए और मैं चारों सामान लेकर आपके पास लेकिन देवर जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं किसी हाल में आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अगर आप नहीं जाते हो भाभी सुना, तो एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक मैं जादुओं को प्रचार ना ले लू, तब तक राज महापा के लिए खाना मेरे लिए आई का दर्द होगा। इसीलिए भाभी सुना, आप मेरा बात मानिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप लौट कर राज महापा चले जाइए। लेकिन देवर जी,
आप कितने दिन आएंगे और मैं पति को क्या कहूंगी आपको बारे में? आप कहिएगा, आप कल पहुंचिएगा बड़े भाई साहब पूछे तो कह दीजिएगा देवर जी जंगल में रुक गया है, शिकार कर रहे हैं, शाम तक में आ जाएंगे, शाम को शाम हो जाएगी, रात को रात निकल जाएगी, परसों होकर को राज महत्ता मैं चला आऊंगा। ठीक है देवर जी। या मां दुर्गा, आज सबका शत्रु था जो मेरे गैर महजूदगी में मेरे भाभी को सारे जेवर लूट कर चला गया।